हे गाइस, दिस इज किरत एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का वीडियो थोड़ा सा मतलब अलग है, डिफरेंट टाइप का है। मैंने यार कुछ 2019 आई थिंक मई 2019 में एक वीडियो डाला था जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि मेरे मणिपाल के हॉस्टल मतलब मणिपाल के ईयर का जो है लास्ट डे था, और उस दिन मैंने अपने रूम का सारा कुछ जो है बॉक्सेस में पैक करा था। मैंने आपको दिखाया था कैसे मैं पैक वगैरह कर रहा हूँ। टर्न्स आउट के अब हॉस्टल तो जाना बहुत मुश्किल है, और मणिपाल में मेरा कोर्स भी ख़त्म हो गया है, तो मेरा जो हॉस्टल रूम का सारा सामान था जो मैं उधर छोड़ कर आया था वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। मणिपाल में जो है यार, जो बच्चे लॉकडाउन में वहाँ पर रुक गए थे या वहाँ पर जो है अब चले गए हैं, उन्होंने जो है यार एक अपना स्टार्टअप शुरू किया है। ऐसे तीन चार स्टार्टअप्स हैं, और उसमें वो बेसिकली क्या करते हैं कि बच्चों का जो रूम का सामान होता है उसको पैक कर कर उसको शिप कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि यार अब जाना तो बिल्कुल मुश्किल है, वरना मेरा पूरा प्लान था कि जाऊंगा तो व्लॉग वगैरह बनाऊंगा। तो मैंने उन्हीं से जो है अपना रूम का सारा सामान मंगा लिया, और सामान आ चुका है। तो मैंने सोचा कि यार आपको पैक करते हुए मैंने वीडियो दी थी, और उस पर यार काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे, आप लोगों को पसंद आई थी। तो मैंने सोचा कि एक रूम को अनपैक करते हुए की भी वीडियो बनाता हूँ। सो या देखते हैं कि सारे सामान में क्या है। मुझे लेजिट अब याद भी नहीं है कि मेरा क्या क्या सामान रह गया था, बट या इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं अनबॉक्स करके। तो गाइज़ ये है सारा सामान, आप देख सकते हैं 5 डब्बे हैं, और पूरे रूम का ये सामान है। मतलब इसमें बहुत सारे कपड़े वगैरह सब कुछ है, और मैं अभी भी इम्प्रेस हूँ यार कि 5 डब्बों में सारा कुछ आ गया, वरना मुझे तो लगा था कि 7-8 डब्बे तो बहुत मामूली बात है। जब मैंने इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में अपना रूम पैक किया था तब मेरे को 8 डब्बे लगे थे। तो इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पैक किया है। अब खोल के देखते हैं फाइनली कि क्या है। सबसे छोटे डब्बों से शुरू करते हैं। बहुत घटिया क्वालिटी के ग्लव्स हैं यार, पहनते ही टूट गया। तो एक ही ग्लव से काम चलाना पड़ेगा। इसको मैं पहन लेता हूँ ये ना टूटे। तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यार इसमें तो मेरे सब जूते और कुछ कपड़े वगैरह है, तो इसको तो साइड करते हैं, इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। अब इस वाले को खोलते हैं। बॉक्स नंबर टू। ओके, तो बॉक्स नंबर टू में मेरे बॉटल्स वगैरह और कुछ पैक्ड फूड वगैरह है। ओ भाई, मैगी तो बात है भाई। इसमें क्या है भाई साहब, ये इन्होंने क्या भेज दिया? इसमें सर्फ एक्सेल है, तो इसको तो मैं फेंक ही दूंगा खैर। और इसमें मेरे कप्स वगैरह लगे हैं, इसको भी फेंकना पड़ेगा। ओके, और इसमें ये मुझे चाहिए था, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट फेस वॉश है। तो आप लोग को कोई बढ़िया सा फेस वॉश ख़रीदना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड बॉक्स नाउ। ये वाला बॉक्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो कुछ फोल्डर्स वगैरह हैं। ओके हाँ, तो ये चीज़ मुझे आपको दिखानी थी। तो ये तो मेरे दोस्त का है। ओके, ये भी मेरे दोस्त का है। सो दीज आर हमको फेयरवेल पे कस्टमाइज बना के दिए थे, जिसमें हमारे लिए एक कोट था और हमारी एक फ़ोटो थी। आई होप मेरा भी हो इधर। ओ सो दिस इज़ 1+। ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह, थैंक गॉड। ओके, तो ये मैंने बस मेमोरी के लिए डलवा लिया टाइम टेबल ये। ओके, ये सब सामान बाद में देखते हैं। कूल कूल कूल, काफ़ी कुछ है यार, बहुत कुछ है। ओके, नोटबुक ये खाली थी, मैंने मंगवा ली। एंड ये मेरी 1+ की मैगज़ीन, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और भाई काफ़ी कुछ डाल दिया इन्होंने।
यार बाकी सब तो इसमें मेरे को कपड़े लग रहे हैं नीचे। ओ मेरा हेयर ड्रायर। ओके सही है यार, सब कुछ बढ़िया तरीके से पैक हुआ हुआ है, बाकी तो कपड़े ही हैं। टाइम फॉर द फोर्थ बॉक्स। ओके भाई, तो इसमें सबसे पहले मेरा स्पेशल वन प्लस क्वेश्चन सेट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन, नाइस। और इसमें भी कपड़े हैं तो आप देख सकते हैं यार, आधे से ज़्यादा तो कपड़े ही हैं। और ये केटल है तो केटल भी आई है, लेकिन एक्चुअल केटल कहाँ है वो नहीं मेरे को दिख रहा। चलो ये भी कपड़े ही हैं तो इनको बाद में देखते हैं। तो फिफ्थ एंड फाइनल बॉक्स, और ये मैंने वैसे कोई ऑर्डर चूज़ नहीं किया था, पर लास्ट में जो है हमारे पास फर्स्ट बॉक्स आ गया, इस पर लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे, मैं गेस कर सकता हूँ क्या है। इसमें सबसे ऊपर जो है मेरा एक बैग पड़ा होगा, क्योंकि बाकी किसी बॉक्स में वो नहीं था, और होपफुली वो इसी में है। आई होप कि वो इसी में है। ओके भाई, तो इसमें पूरी मेरी अटैची है। तो ओ भाई बहुत भारी है, मेरे को लग रहा है मेरे को लगता है उन्होंने इसमें अच्छा खासा सामान भर दिया। नाइस। तो बैग यार मेरा इसके अंदर है क्या, बाकी क्या है? ओ यस यस, तो बैग है पड़ा यार। तो सही है, बस अब इसको खोल लेते हैं। उसमें और जैसा मैंने बताया कपड़े ही हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये बैग पड़ा है और बाकी वही कपड़े वगैरह हैं थोड़े। अब तो फाइनल पार्सल, इसको खोल लेते हैं। मुझे पता नहीं यार क्या है। ओ भाई इसमें भी कपड़े एंड जेल, तो सबका सब कपड़ों से भरा हुआ है। हाँ तो यार सारा सामान जो है खुल चुका है, और आप देख सकते हो मैं मतलब गिर गया हूँ। और आपने देखा ही यार कि मोस्ट ऑफ द जो बॉक्सेस हैं उनमें मतलब कपड़े ही भरे हुए हैं, और थोड़ा थोड़ा सामान था जो मैंने आपको दिखा दिया, सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये पिल्लोस, थोड़े से हेयर ड्रायर, केटल, ये सब कप्स वगैरह। तो आई एम ग्लैड कि सामान मिल गया, लेकिन उतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा प्लान था कि यार मैं मणिपाल जाके ये सब सामान लेके आऊँगा। और मतलब जाने को मैं जा सकता था, बैंगलोर तक की फ्लाइट चल रही है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, तो मैंने सोचा यार छोड़ो सामान मंगवा ही लेते हैं। मणिपाल जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब मैं एक और बार आपको लेकर जाऊंगा, थोड़ी मस्ती करेंगे जाकर, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। आई होप कि यार आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा। तो यार आपको आगे कौन से वीडियोस देखने हैं आपके कॉलेज से रिलेटेड या कुछ भी, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक कर दो यार, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।